के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद में भी राज्य सरकार द्वारा 52,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। धनबाद रणधीर वर्मा स्टेडियम में 250 करोड़ योजना का हुआ शिलान्यास उद्घाटन। झारखंड की हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम से भाजपा के विधायक ने दूरी बनाए रखा, हालांकि भाजपा ने नगर परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष शामिल हुए। रणधीर वर्मा स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ कई योजना का शिलान्यास और उद्घाटन विधायकों और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, जिससे धनबाद में आने वाले समय में इस योजना धरातल पर नजर आएगी। हमारा धनबाद में नगर निगम का चुनाव भी काफी अरसे समय से नहीं हो पाया। आज हमारे ये 5 जनवरी को हमारा पंचायती व्यवस्था भी खत्म हो रहा है। यह कैसे हम लोग आने वाला समय पंचायती व्यवस्था को जल्द कैसे दुरुस्त करें, इसके लिए भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम लोग इस बात को रखेंगे कि पंचायती व्यवस्था जल्द लागू हो, इसके लिए राज्य सरकार पहल करे। क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि एक तो हमारा झारखंड राज्य 32 वर्षों के बाद हमारा पंचायती राज का व्यवस्था आया था, वो भी कई माननीय जनप्रतिनिधिगण अभी तक अपने हक के लिए राज्य सरकार से, जैसे पंचायत समिति के सदस्य तो वार्ड मेंबर इन लोग अपना बातों को रखते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, वो होना, अभी भी हम लोग पूर्ण रूप में नहीं हो पाया है, तो उन सब चीज़ों पर फिर ध्यान रखा जाएगा।